प्रदेश में बने एंटी साइक्लोन के कारण बीकानेर जिले में भीषण गर्मी पड़ रही है। हवा में नमी लगातार कम होती जा रही है, इसी कारण गर्मी लगातार बढ़ रही है। बीकानेर में इस तेज गर्मी के दौरान सड़क सूनी हो गई है, गर्मी का अलर्ट है, जिसके सड़कों पर फायर ब्रिगेड की ओर से पानी डाला जा रहा है। राजस्थान की मरुनगरी बीकानेर में जबरदस्त गर्मी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। जहां लोग सड़कों पर कम घूमते मिलते हैं, तो वहीं पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लोगों की जो स्थिति है, सड़कें बिल्कुल सूनी सी नजर आती हैं। ठंडे और शीतल पेय पदार्थों की अगर बात करें तो लोग आराम से आपको पीते हुए नजर आएंगे। देखिए, यहाँ पर लोग गन्ने का जूस पी रहे हैं, तो कहीं कुछ और जगह जगह नजर आ रहा है। छांव और बचने का एक तरह से प्रयास, पार्कों में बैठे लोग, ये देखिए किस तरह से, ये देखिए बराबर जूस जैसी चीज है, जो गन्ने का जूस वो भी दिया जा रहा है। और देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर गन्ना एक तरह से तैयार हो रहा है। बात करते हैं भैया, क्या क्या बना रहे हैं आप लोग? गन्ने का जूस कैसे चल रहा है? अच्छा सर, सही, बढ़िया, गुड बिक्री है। हाँ, बढ़िया। लोग आते हैं? आते सर। तो गर्मी ज्यादा ऐसी नहीं लगती? नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ, लोग बराबर पहुंच रहे हैं, गर्मी तेज है। देखिए बराबर यहाँ पर, ये देखिए गन्ना है और ये निकालने की तैयारी कही जा सकती है। और उम्मीद ये की जा रही है, जब 45 से भी ज़्यादा टेम्परेचर है बीकानेर में, इसी महीने 49 डिग्री के आसपास टेम्परेचर भी रहने की उम्मीद की जा रही है। नौतपाप शुरू हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये बात कही जा सकती है कि गर्मी और ज़्यादा बढ़ेगी। सिंह, A1 TV, बीकानेर।